देश की निगाहें नीट पर टिक गई हैं और लगातार इस पर नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से इस पर जवाब मांगा है और उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया है। अब एक और नया अपडेट आ गया है, एक और नया सवाल उठ गया है। सवाल उस क्वेश्चन पेपर को लेकर उठा है जो पटना में जला हुआ मिला था। आपको याद होगा कि उसके बारे में ये कहा गया था कि ये क्वेश्चन पेपर नीट का है या नहीं, इसके बारे में शंका है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो क्वेश्चन पेपर था वो नीट का ही था। आपको ये भी याद होगा कि बीते दिन एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक के किसी भी तरह की खबर से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर बिहार में मिला था, अब उसकी जांच FSL कर रही है, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कर रही है, और जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि जो वो क्वेश्चन पेपर था वो नीट का क्वेश्चन पेपर था या फिर नहीं। आपको ये भी याद होगा कि बिहार में सॉल्वर गैंग को भी पकड़ा गया था, जो कथित तौर पर कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम दे रहे थे। सो इस पर क्या कुछ कहना है ऑफिसर्स का और क्या कुछ इस पर अपडेट है, चलिए इस वीडियो के जरिए बाइट्स की मदद से आपको सब कुछ बता देते हैं। जो नीट की जो परीक्षा थी कल, उसमें जो हमारा कुलासी के पास जो स्कूल है उसमें टोटल 7 लोग जो कि दूसरे के जगह पर एग्ज़ाम दे रहे थे और उनका जो भी था वो मिसमैच था, तो उसके आधार पर उनको जो है पकड़ा गया है। और इट इज़ अ मैटर, ये जो है ये फ्रॉड का केस है, दूसरे के जगह पे एग्ज़ाम देना, तो हम लोग विधिवत जो है उन सभी को गिरफ्तार करके हम लोग उन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, आज NTA का एग्ज़ाम था, CBSE पब्लिक स्कूल बसरीला में जो है स्थित, वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान एक स्कॉलर पाया गया। वो बहुत साइलेंटली सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा था और इवन बायोमेट्रिक भी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन का टाइम उन्होंने लिया वो सब कुछ मैच कर गया। लेकिन NTA की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही थी, मॉनिटरिंग के दौरान ये पाया गया कि उसका जो बायोमेट्रिक वो मिसमैच है। साइलेंटली हम लोगों ने एग्जाम तक हम लोग वेट किए और उसको ऑपरेट किए। फाइनली हम लोग जब उसको ओवरऑल टेस्टिंग किए तो पाया गया कि वो स्कॉलर है, वो किसी और के प्लेस पे बैठा हुआ है। फिर हम लोगों ने थाना को कॉल किया और थाना को हैंड ओवर कर दिया उसे। तो देखा आपने कैसे शास्त्री नगर में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला था उसको लेकर दोबारा से सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, क्या जो दावा किया जा रहा था वो सच है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। जो भी अपडेट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, हम आप तक सारी जानकारी पहुंचा देंगे। अगर आपको ऐसे और फॉलोअप वीडियोस देखने हैं, ऐसी और जानकारी हासिल करनी है, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेकेड। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेकेड।